आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम छत्रपाल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एग्रो क्षेत्र। किसान भाइयों, आज आपको जो गन्ना है, गन्ना की फसल में पत्ती पीली पड़ना और पत्ती लाल पड़ना दोनों में बताएंगे कौन सी दवाई लगेगी, कैसे करके लगेगी और ये जो समस्या है क्यों आती है। ज़्यादातर किसान भाई इस समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं और दवाइयों पर दवाइयाँ लगा रहते हैं। मुझे सुबह शाम फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे खेत में गन्ने की जो पत्ती है वो पीली पड़ रही है या जो पत्ती है वो लाल पड़ रही है। तो कुछ किसान भाई इसमें समझ नहीं पा रहे कि इसमें फंगस का अटैक है कि जो इसमें बीमारी का अटैक है या इसमें कीड़े का अटैक है। किसान भाई समझ नहीं पा रहे हैं और दवाइयों पे दवाइयां लगाते रह रहे हैं। तो मैं आपको इस बारे में वीडियो बनाया गया है, वीडियो को अच्छे से देखना और आखिर तक देखना। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपना जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आपको वीडियो कैसी लगती है, आपका जो कमेंट है वो हमें मिलेगा तो हमें लगेगा कि हाँ आपने वीडियो देखी और वीडियो आपको अच्छी लगी। अब आपको दिखाते हैं कि जो गन्ने की पत्ती है वो किस तरीके से सूख रही है और कैसी समस्या आना स्टार्ट हो गया। तो अभी हम आपको जो पत्ती पीली पड़ रही है उस बारे में दिखाते हैं, इसके बाद में लाल पत्ती दिखाएंगे आपको। भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो पत्ती है वो पीली पड़ रही है, इस टाइप से पीली पड़ती है। तो किसान भाई समझ नहीं पा रहे हैं कि जो पत्ती है वो ऊपर से सूख रही है, ये फंगस का अटैक है या सुंडी या इंसेक्ट का अटैक है। इस चीज़ में समस्या में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो मैं आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से दिखाऊंगा क्या समस्या है क्या है। अब आपको पत्ती दिखाता हूँ खोल के मैं। किसान भाइयों, ये जो पत्ती आपको दिखाई है इसमें काला काला कीड़ा दिखाई देता होगा रिंगता हुआ आपको। ये जो पत्तियों के भीतर पाए जा रहे हैं इसमें काले काले कीड़े होंगे, ये देख रहे हैं आप मेरे अंगूठे के पास में। तो ये जो कीड़े हैं ये पत्तियों में जाकर, जो पत्तियां हैं इनके अंदर का जो क्लोरोफिल है उसको गायब कर देते हैं। क्लोरोफिल की कमी के कारण ये जो पत्तियाँ हैं पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और जिस पत्तियों में ज़्यादा अधिक तरीके से भुनका लग जाता है तो वो जो पत्तियां हैं ऊपर से सूखना स्टार्ट हो रही हैं। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ये जो समस्या है आ रही है। तो किसान भाई इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो किसान भाइयों, ये जो है कीड़े का अटैक है, इसमें फंगस का अटैक नहीं है। इससे बचने के लिए मैं जो दवाई बताता हूँ आपको किसान भाइयों, वो जो दवाई है आप बायर कंपनी का सोलोमल लगा सकते हैं, जिसकी मात्रा रखनी है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे। और इसको सोलोमन को लगाते टाइम आपको एक स्टिकर डालना रहेगा, स्टिकर डालना है आपको सिलिकॉन बेस अच्छी कंपनी का, भारत कंपनी का आता है इग्निशन के नाम से, उसको आप 5 से 10 ml प्रति टंकी में डाल सकते हैं 15 लीटर पानी में। तो उससे आपकी जो समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोनों से। स्टिकर जो काम करता है दवाई को अच्छे तरीके से फैलाने का काम करेगा, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ आप दूसरी जो दवाई लगाना चाहते हैं तो अलीका लगा सकते हैं, अलीका सिजेंटा कंपनी का आता है उसकी जो। किसान भाइयों, अलीका की जो डोज रखनी है वो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे, उसको भी आप स्टिकर के साथ में मिला के डालेंगे तो आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। स्टिकर जो है पूरी पत्तियों पर दवाई को फैला देगा, जहाँ तक दवाई अच्छे से फैल जाएगी और कीड़े मर जाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं जो लाल पत्तियाँ पड़ रही हैं वो क्यों पड़ रही हैं, पूरा आपको मैं वीडियो पे लेके चलता हूँ फिर से और फिर दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों, ये जो पत्तियाँ लाल पड़ रही हैं इस टाइप से लाल पड़ना स्टार्ट हो चुका है, पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर से भी आपको ये लाल पड़ती हुई दिखाई दे जाएगी मगर नीचे से ज़्यादा लाल होगी, और ये एक दो नहीं पूरी पत्तियाँ अच्छे तरीके से लाल पड़ रही हैं। इसका जो मेन कारण है लाल पत्ती पड़ने का वो मैं आज आपको दिखाता हूँ, ये जो जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अब आपको जूम करके इस पत्ती पे दिखाऊंगा कितना कीड़ा है इस पे और कैसे नुकसान कर रहा है, पूरा आपको दिखाता हूँ। तो किसान भाइयों, हम पत्ती तोड़ के ले आए हैं और आपको जूम करके दिखाते हैं जो पत्तियाँ हैं इन पर कीड़े कैसे रिंग रहे हैं, पूरा आप देखिए, आपको रिंगते हुए दिख जाएंगे। ये जो पत्तियाँ हैं इसको माइट बोलते हैं, ये जो पत्तियों पर रिंग रहा है इसको माइट बोलते हैं। ये जो माइट है सफ़ेद कलर की होती है और पत्तियों के नीचे सिरा पे रहती है, पंजे मारकर पत्तियों का क्लोरोफिल जो निकल के आता है उसको खा जाती है, आप देख रहे हैं पूरा। और जो क्लोरोफिल की कमी होने के कारण ये जो पत्तियां हैं लाल पड़ना स्टार्ट हो जाती है
और जो ये कीड़ा है इसके लिए बहुत से किसान भाई कह रहे थे मैंने ओमाइट लगाई है, किसी ने ओबरान लगाई है, किसी ने बहुत सारी कंपनियों की दवाइयाँ लगाई है, मगर ये जो कीड़े हैं ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बढ़िया दवाई बताता हूँ, सिजेंटा कंपनी का जो अलीका आप लगा रहे थे मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, उसको आप लगा सकते हैं, या फिर वायर कंपनी का सोलोमन, दोनों को लगा सकते हैं। भारत कंपनी का आता है ढाक के नाम से, उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं। पारियात कंपनी का आता है टकाप के नाम से, उसको लगा सकते हैं आप कोई भी। तो किसान भाइयों आप कोई भी जैसे लैम्डा प्लस थायो वाला टेक्निकल जो है उसको लगा सकते हैं, चाहे तो आप सोलोमन को लगा सकते हैं जिसमें एमीटा क्लोरोपिड और दूसरा बीटा सेलोथ्रीन होता है, उसको लगा सकते हैं। मगर ये जो दवाइयाँ लगानी है ये स्टिकर के साथ में लगानी है, ताकि ये जो समस्या तक जो दवाई है वो पहुँच सके और ये समस्या आपकी ख़त्म हो सके। तो किसान भाइयों वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपके खेत में जो गन्ना की फसल में पत्तियां लाल पड़ रही हैं नहीं पड़ रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।